स्वप्न में गौ का दर्शन करने का फल क्या होता है, बड़े ध्यान से सुनेंगे, बोलो राधे राधे। स्वप्न में गौ अथवा सांड के दर्शन से, अगर हमें स्वप्न में गौ अथवा सांड दिखाई पड़े, दर्शन मात्र से हमें एक बात अवश्य समझनी चाहिए कि अब आने वाले समय में हमारा कल्याण होने वाला है। गौ माता का स्वप्न में आना या गौ की संतान का स्वप्न में आना, कईयों को बहुत स्वप्न दिखते और गाय के दिखते हैं कि हमें गाय स्वप्न में दिख रही है, तो उनको ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनका जीवन अब कल्याण के मार्ग पर चल पड़ा है, अब उनका कल्याण ही होने वाला, उनका लाभ होने वाला है, उनकी व्याधि नष्ट होने वाली है, उनके जो संकट हैं, उनकी जो व्याधि हैं, अब वो नष्ट हो जाएंगी। ऐसा स्वप्न दिखने पर ये बात अवश्य सोचनी चाहिए। इसी प्रकार स्वप्न में गौ के थन को चूसना, आपने देखा होगा कई बार हम हमारे ब्रज में तो एक कहावत है, थन कड़ो दूध है। आपने हमारे कन्हैया का एक चित्र देखा होगा, कैसा कि स्वयं कन्हैया गौ के थन से मुख लगाकर दुग्ध पी रहे हैं, है ना? यहाँ उसी की चर्चा हो रही है कि अगर हमें कुछ ऐसा दिखे कि हम स्वप्न में गौ के थन से दूध पी रहे हैं, उसका फल क्या है? उसका भी तो कोई फल होगा महाराज। एक तो हो गया, आपने पहले बता दिया। दूसरा, इसका फल क्या है कि हम सो रहे हैं, हम स्वप्न देख रहे हैं कि गौ माता हमारे पास खड़ी और हम सीधे गए और अपने मुख से गौ के थन को अपने मुख में लेकर दुग्ध पी रहे हैं, इसका क्या फल है महाराज? इसका फल भी बहुत ही श्रेष्ठ माना गया है। इसका फल जो है, माना गया है कि जो व्यक्ति ऐसे अपने मुख से दुग्ध पी रहा है डायरेक्ट गौ के थन से, इसका मतलब है कि तुम्हारे जीवन में भोजन इत्यादि से संबंधित जो भी समस्याएं थीं वो अब समाप्त हो जाएंगी, अब वो समस्या नहीं रहेंगी, वो समस्याओं का समाधान गौ माता ने कर दिया है, कामधेनु माता ने कर दिया है। इसलिए इस स्वप्न को उचित और लाभदायक मानना चाहिए। देखो, आजकल नोटों का धन मानते हैं, पर नोटों का धन नहीं, अन्न ही सबसे बड़ा धन है, गौ ही सबसे बड़ा धन है। हम कभी बताएंगे आपको गौ धन कितना बड़ा धन है, परंतु अन्न धन इसलिए है क्योंकि अन्न के बिना हमारा प्राण नहीं है। इसलिए उसे, जिसने अपने मुख से थन का पान किया है गौ के, उसकी जो अन्न संबंधित समस्याएं हैं, भोजन संबंधित समस्याएं हैं, वो सब समाप्त हो जाएंगी, ऐसा उसको मानना चाहिए। बड़ा ही उत्तम माना गया है। इनमें से घी सहित खीर को भोजन को और राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। क्या माना गया? राज्य प्राप्ति का सूचक माना गया है। किस बात को? बोले इस बात को, स्वप्न में बैल अथवा सांड की सवारी करना। ध्यान से सुने, आपने अगर देखा हो कि हम कभी बैल के ऊपर, जैसे शंकर भगवान सवारी कर रहे हैं, अगर वैसे ही हम भी स्वप्न में ऐसी सवारी करते हुए दिखें कि हम बैल के ऊपर सवारी कर रहे हैं, बैल के ऊपर सवारी कर रहे हैं, अगर ये स्वप्न हमको दिखाई दे तो ये बड़ा शुभ माना गया है।